स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की। जी हाँ, आज हर किसी के जुबान पर है ये वर्ड। ये आखिर है क्या? ये है सामाजिक दूरी। कोरोना संक्रमण से बचने का ये एक नायाब तरीका है। लेकिन क्या आपको पता है कि संताल में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है? जी हाँ, यही कुछ दिखा रहे हैं हम आपको इस पहले रिपोर्ट में। करते हैं जोहार, कहते हैं जोहार। जी हाँ, ये झारखंड की परंपरा की तस्वीर है। आज जब सारा विश्व सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है, वैसे में हमारे झारखंड की परंपरा हमें सोशल डिस्टेंसिंग बरसों से सिखाती आ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा। लेकिन एक संथाल समाज ऐसा है जो बरसों पुराना समाज है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग उस वक्त से ही पालन किया जाता है। अगर आप उसके घर पे जाएंगे तो लोटे में पानी लेकर आपको स्वागत करते हैं, वो भी दूर से। कहीं ना कहीं ये अन्य लोगों के लिए, दूसरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड के संताली परंपरा में डोबो जोहार की परंपरा देखी जाती है। आखिर क्या है ये अनोखी परंपरा, चलिए जानते हैं। डोबो जोहार के माध्यम से संताली समाज में मेहमानों का स्वागत किया जाता है। घर की महिला सदस्य मेहमानों के इस विशेष स्वागत में लगी रहती हैं। खटिया में मेहमानों को बिठाया जाता है, उसके बाद घर का कोई सदस्य लोटे में पानी भरकर अतिथि के सामने रख देता है और दूर से ही उन्हें प्रणाम करता है। हमारे संथाल समाज का रीति रिवाज है, पुरखों से चला आ रहा है। जब भी कोई मेहमान घर पे आते हैं तो सबसे पहले उसको सत्कार करने के लिए खटिया बिछाया जाता है, और उसके बाद घर की जो महिलाएं हैं वो पानी, लोटा पानी लेके उनके सामने रखती हैं और जोहार करती है, डुबो जोहार करती है। बड़े लोग डुबो जोहार करते हैं और जो छोटी होती है उसको चुप। अतिथि भी लोटे में रखे पानी से अपने पैर धोते हैं और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। मेहमान सब आने से लोटा पानी लेके उनको देता है, देके फिर उन लोग को जोहार देते हैं, माने डुबो जोहार करते हैं। फिर डुबो जोहार करके उन लोग हाथ पैर धोएगा, धो के फिर बैठेगी, बाकी हम भी बैठेगी उन लोग के साथ में। कहीं से भी आने से पूछ लेते पहले, कहाँ गया था कि यही आया था तुम लोग, ऐसे पूछना पड़ता है हम लोग। जब मेहमान वापस जाते हैं तो एक बार फिर इस डोबो जोहार की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर मेहमान लोटे में रखे पानी से पैर ना धोएं तो वो मेहमान नवाजी से खुश नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आप किसी के घर पे आए हैं तो नाराजगी जाहिर नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी का मन में थोड़ा त्रुटि लगता है कि हो सकता सत्कार में कमी होती है, वो क्या करते हैं, वो पानी को नहीं धोते हैं, लोटा का पानी से पैर नहीं धोते हैं, खाली पानी गिरा के चलते हैं। माना ये भी जाता है कि आदिवासी जंगलों से कई किलोमीटर चलकर घर आते हैं, ऐसे में एक दूसरे के स्पर्श से पहले इस तरह का अभिनंदन जरूरी हो जाता है। आज जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को अपने घर में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में संतालियों में ये परंपरा हमें इनसे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा देता है।